हेलो दोस्तों, दिस इज बात लोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विप्रो स्टेप प्लस जो असेसमेंट होता है, जो आपका असेसमेंट होता है स्टेप प्लस विप्रो में, उसको एक बार में कैसे क्लियर करें ताकि आप अपने जॉब को सिक्योर कर सके और आपका सिलेक्शन अच्छी तरह से हो सके। क्यों? क्योंकि यार देखो, विप्रो स्टेप प्लस जो असेसमेंट होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है जो SIM प्रोग्राम के लिए होता है, तो पहले उसमें आपका असेसमेंट हो जाता है जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल इंग्लिश पूछता है। उसके बाद एक विप्रो स्टेप प्लस असेसमेंट होता है, इसके बाद आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर पकड़ा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप विप्रो विल्फ या फिर विप्रो एनएथ प्रोग्राम के थ्रू विप्रो कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो 4 महीना 5 महीना ट्रेनिंग के बाद और काम करने के बाद आपको फिर से विप्रो स्टेप प्लस असेसमेंट एक देना होता है। जो लोग पहले ही स्टेप प्लस असेसमेंट देकर गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिना स्टेप प्लस असेसमेंट के ही विप्रो में काम कर रहे हैं और जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, तो विप्रो कंपनी उनके लिए फिर एक विप्रो स्टेप प्लस असेसमेंट कंडक्ट करती है। ठीक है, तो दो टाइप का हो जाता है। शुरू शुरू में एक इनिशियल स्क्रीनिंग होता है, जो पहले ही स्टेप प्लस देकर गए हैं कंपनी में उनको फिर से स्टेप प्लस देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो स्टेप प्लस देकर नहीं गए होते उनको फिर से स्टेप प्लस देनी होती है। ठीक है, तो कैसे आपको विप्रो स्टेप प्लस के लिए प्रिपेयर करना है और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि यार, प्लेसमेंट से रिलेटेड, टेक टॉक से रिलेटेड और बहुत कंपनी के इंटरव्यू से रिलेटेड लगातार वीडियो चैनल पर आ रही हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। इसके अलावा CS का जो कोर सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग वीडियो आ रही है, इंटरव्यू का कैसे प्रिपरेशन करना है, कोडिंग कैसे करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, तो बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो लगातार आ रही हैं जो आपके जॉब में और आपके करियर में डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, तो देखो स्टेप प्लस क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम जानेंगे। स्टेप प्लस मतलब होता है स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स। जैसे देखो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तब तक आप स्टूडेंट हो, जब से आप काम करना शुरू कर दिए हो तो इंडस्ट्री लेवल का आपको इंग्लिश आना चाहिए, जो प्रोफेशनल आप बन गए। चूंकि आप प्रोफेशनल बन गए हो, आप किसी प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश आना चाहिए कि कंपनी में कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना है, कौन सा इंग्लिश का कौन सा टर्म्स कब यूज करना है, किसके लिए कैसे बोलना है, समझ रहे हो? तो सारा का सारा कैसे काम करना है मीन्स, तो आपको बेसिक इंग्लिश और यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड टेस्ट, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब इतना भी एडवांस इंग्लिश नहीं, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें रहता है ग्रामर सेक्शन, फिर लिसनिंग सेक्शन, फिर रीडिंग सेक्शन, फिर स्पीकिंग सेक्शन। ये हमारा क्या है, विप्रो स्टेप प्लस बेसिकली इंग्लिश के लिए सिर्फ होता है। सिर्फ इसमें इंग्लिश आपका टेस्ट किया जाता है कि आप प्रोफेशनल लायक हैं कि नहीं, आपका इंग्लिश स्टैंडर्ड है कि नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस वेबसाइट से और किस यूट्यूब चैनल से, इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा का सारा डाउट जो विप्रो स्टेप प्लस के रिगार्डिंग था, वो सारा का सारा एक इतिहास बन जाएगा। इसके बाद आपको विप्रो स्टेप प्लस का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको जाना है indiabigs.com पर। indiabigs.com क्या है जी? तो indiabigs.com एक बहुत तगड़ा वेबसाइट है जिस पर इंग्लिश का वो सारा चीज अवेलेबल है, जो सिर्फ विप्रो ही नहीं किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चल चलूंगा, आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो मैं क्लिक करूंगा indiabigs.com पर, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो मैं यहाँ आ गया indiabigs का ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप इसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ आपको जाना है, क्योंकि हम लोग को अभी सिर्फ इंग्लिश के बारे में जानना है, तो सिर्फ यहाँ वर्बल एंड रीजनिंग है, तो यहाँ वर्बल एबिलिटी का एक ऑप्शन है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखो बहुत सारा यहाँ सेक्शन आ गया इंग्लिश का, स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, क्लोजेड टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वैसे ही तमाम सेक्शन है। और जैसे ही आप किसी भी सेक्शन पर क्लिक करोगे, जैसे मुझे जाना है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस वर्ड्स, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। देखिए बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन आ गया, बहुत सारा यहाँ एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, यहाँ तमाम सेक्शन है। देखो कितना आपके पास सेक्शन है, तो आप देखते जाओ, ऐसे ही बहुत सारा आपके पास सेक्शन है, आप सबको देख सकते हो। बहुत सारे इसमें टॉपिक भी है, जितना इसमें क्वेश्चन दिया आप सारा का सारा प्रैक्टिस कर लो, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप इसको नहीं निकाल पाओगे,
आप गारंटीड, और सारा का सारा जो इसमें क्वेश्चन दिया है, सारा का पैटर्न समझ लो कैसे काम करता है, कैसे हो रहा है, सारा का सारा देख लो। इसको देखने के बाद इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आपका जो इंट्रो स्टेप प्लस का राउंड है, जिसमें इंग्लिश सिर्फ पूछा जाता है, आप उसकी बैंड बजा देंगे, इस बात की गारंटी है। मैं अभी चलूंगा दूसरे, मैं कहाँ चलूंगा, अपने दूसरे वेबसाइट पर जिसका नाम है prepinsta.com। हालांकि जो prepinsta.com है, ये ज्यादा पेड कोर्सेज देता है, पेड कोर्सेज, तो आपको पेड कोर्सेज इसका बिल्कुल नहीं खरीदना है, बिल्कुल एकदम खत्म खत्म वेबसाइट है, खत्म कोर्स बेचता है, एकदम बेकार कोर्स बेचता है। क्यों? क्योंकि यार मैंने इसको टीसीएस के लिए 2,000 रुपया पे किया था और मुझे कुछ नहीं सिखाया था, और हालांकि आकर मुझे फिर किसमें मुझे यूट्यूब से ही सीखना पड़ा फ्री में यूट्यूब। तो इसका कोर्स आप बिल्कुल भी मत खरीदें, किसी भी टाइप का कोर्स, बस इसका फ्री का जो रिसोर्सेज है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको जाना है यहाँ प्रेमिंस्टा पर, और जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे ले जाएगा prepinsta.com पर, और मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ क्लिक करूंगा कंटिन्यू टू prepinsta.com। इस पर क्लिक करने के बाद चूंकि मुझे सिर्फ इंग्लिश जानना है, तो मैं बिगिन प्रिपरेशन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, कंपनीज एप्टीट्यूड रीजनिंग प्राइम सिलेबस, मुझे सिर्फ इंग्लिश चाहिए। तो मैं जब खोज रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको भगाता हूँ, इसमें भगाऊंगा कंपनीज, यहाँ वर्बल एबिलिटी का एक पार्ट था, यहाँ दिख मुझे नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, प्रिपेयर, हाँ प्रिपेयर यहाँ है हमारा, क्या ऑल प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड सिलेबस, इधर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, इधर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, इसे क्या नाम है, वर्बल, वर्बल उसका नाम है, ठीक है, वर्बल एबिलिटी। तो आप इधर देखो एप्टीट्यूड, हाँ एप्टीट्यूड पर जाना है, उसके बाद लिखना है लर्न वर्बल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास यहाँ आ गया है बेसिक ग्रामर, स्पीच एंड वॉइस, टेंसेज, आर्टिकल्स, ये सारा का सारा फ्री वाला है, सारा सारा क्या है, फ्री वाला। तो जैसे मुझे इस पर जाना है बेसिक ग्रामर पर, मैं क्वेश्चन पर क्लिक करूंगा, वैसे ही बहुत सारे सेक्शन दिया है, क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है या जाना है यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे देखो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग भाव, हार्दिक डैश मेट मी डैश मी डैट ही डेड नॉट फिनिश द असाइनमेंट एट, तो आपका आंसर क्या होगा, जैसे मुझे ये लग रहा है इन्फॉर्म, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहीं पर आपका आंसर भी दिखा देगा। वैसे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो सब पर स्टार्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट 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 स्टार्ट, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसका पेड कोर्सेज बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्यों? क्योंकि यार बहुत फ्रॉड करता है, आपको बोल देगा 2,000 में इसका कोर्स खरीदिए और सिखाएगा कुछ नहीं, और सिर्फ इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या सिखाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं 2,000 में कम से कम, ठीक है। तो इसका कोर्स नहीं खरीदना है, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, पता नहीं ये लोग क्या पढ़ाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लोग इतना भारी तरीके से समझाता है ना कि आप अगर कॉलेज से परसेंटेज जानते हैं तो वो भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे। इसका भी एक प्रेपिंस्टा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप जाके फ्री वाला जो वीडियो है वर्बल एबिलिटी का, आप इंग्लिश के लिए उसको देख सकते हो। और एक है ऑनलाइन स्टडी फॉर यू, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू जाना है वहाँ, और वहाँ भी वर्बल सेक्शन में जाके उसके प्ले लिस्ट में जाना है और वर्बल सेक्शन देखना है, और किसी भी कंपनी का वर्बल हो आप उसको देख सकते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने अपने चैनल पर भी त्रिलोकी इंडिया वाले जो चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर भी मैंने विप्रो का वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप जाएं खोजें उसको या फिर लिखें वर्बल एबिलिटी बाय त्रिलोकी इंडिया वाले, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और निकालो यार, इसको काफ़ी आसान है, मैंने इसको खुद 2 बार निकाला हुआ है, आप भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी भी टाइप का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्यों? क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, आपका प्यार बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।